मुरादाबाद में किशोरी के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि यूपी पुलिस का एक सिपाही अपने दोस्तों के साथ मिलकर नाबालिग लड़की को एक होटल ले गया और बारी बारी से उसके साथ जबरदस्ती की। लड़की के परिजनों की माने तो कुछ महीने पहले फेसबुक पर पीड़िता की दोस्ती एक युवक से हुई थी। दोस्ती का सिलसिला परवान चढ़ने लगा और बात मुलाकात तक पहुँच गयी और दोनों अक्सर मिलने लगे। घटना के दिन लड़की को बर्थडे पार्टी के नाम पर बुलाया गया। आरोपी सिपाही अपने दोस्तों के साथ मिलकर लड़की को एक होटल ले गया। लड़की ने अपने बयान में बताया है कि उसे जबरदस्ती शराब पिलाई गई, उसके बाद आरोपी सिपाही और उसके दोस्तों ने मिलकर बारी बारी से उसके साथ बलात्कार किया। यही नहीं, लड़की को शोर मचाने पर जान से मार देने की भी धमकी दी गई। घटना को अंजाम देने के बाद लड़की को दूसरे दिन सुबह घर के पास छोड़कर सभी आरोपी वहां से फरार हो गए। फिलहाल मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी सिपाही को सस्पेंड करने के साथ साथ गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपियों पर दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया है।